बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उन सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो लुआ से बैचलर डिग्री करना चाहते हैं वेटनरी साइंस के अंदर, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अब की बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था लुआस का वो नहीं होगा। इस बार आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है आज, जो कोरोना वायरस है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब की बार आपका जो अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, जो आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी की मेरिट लिस्ट के हिसाब से इस कोर्स के अंदर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एक और ये भी लिखा गया है कि वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होता था उसके अंदर भी अगर आपका एडमिशन लेना होता था तो उसका एडमिशन भी नीट के थ्रू ही होगा। इस बार नीट का एग्ज़ाम जो है NTA कंडक्ट कर रहा है और इस बार जो नीट का एग्ज़ाम है वो 3 मई को होने वाला है। अभी तक यह एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इस बार आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का कि नीट के थ्रू ये एग्ज़ाम हो रहा है, नीट के थ्रू एडमिशन हो रही है, क्योंकि अब की बार नीट में सीट भी बढ़ चुकी है तो वहाँ पे भी जो है एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अब की बार अगर नीट एग्ज़ाम ले रहा है इस चीज़ का तो आपको अलग अलग दो एग्ज़ाम्स की ना तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ना ही आपको जो है ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। अगर आप ये ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं तो जो लुआस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.luas.edu.in इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा अगर कोई क्यूरीज है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।